करोड़ों के कैंसर का मुफ्त में इलाज। शोभा तिब में सिंध का ऊंचा मुकाम, दुनिया में कर दिया रोशन नाम। जिना अस्पताल का शोभा साइबर नाइफ टोमोग्राफी, तवज्जो का मरकज पाकिस्तान। साइबर नाइफ टोमोग्राफी की सहूलत फ्राहम करने वाला दुनिया का 10वां मुल्क बन गया। साइबर नाइफ बेसिकली एक रेडिएशन के साथ कैंसर को ट्रीट करता है। हम वायद हैं या फीसबिलिल्लाह होता है, हर साल हम 2000 मरीज करते थे, इस साल हम इंशाल्लाह टारगेट कर रहे हैं कि हम तकरीबन 4000 के करीब मरीज कोशिश करेंगे। आज भी हम दुनिया के टॉप 10 सेंटर्स में से हैं रेडिएशन ऑनकोलॉजी का जो सेक्शन है, और उसको मजीद आगे इम्प्रूव। बिल अदा ना करने पर बिजली का मीटर काटने वाला खुद अरबों का नादहिंदा निकला। के इलेक्ट्रिक के जिम्मे एक दो नहीं, पूरे 29 अरब 23 करोड़ वाजिबुल अदा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का सीईओ पे इलेक्ट्रिक को खत। सिटी ड्यूटी की मदनी सालफीन से वसूल रकम की के इलेक्ट्रिक ने जमा नहीं कराई। के इलेक्ट्रिक से रकम की अदायगी का मुतालबा। सीईओ के इलेक्ट्रिक का वोटर बोर्ड पर 31 अरब रुपये वाजिबुल अदा होने का दावा। तेईस सीनियर सिविल जजेस को एडिशनल डिस्ट्रिक्टिंग सेशन जज के अहदे पर तरक्की देने की सिफारिश। तरक्की पाने वाले जजेस में खुशी अहमद, वसीम अहमद, अब्दुल रजाक के नाम शामिल। अताउल्ला मोहम्मद असलम चांदियों, मिस नीलम एहसन हैदर के नाम भी लिस्ट का हिस्सा। अब्दुल गफार खोसो, नूर मोहम्मद अहमद रजा अब्रो समेत दीगर जजेस को तरक्की देने की सिफारिश। शहर के खस्ताहाल नाले मोट बांटने लगे। सोहराब गोट नाले में गिरकर 10 साल का बच्चा जहाँ बहक। नाले में 2 बच्चे गिरे थे, एक को फौरी रेस्क्यू कर लिया गया। सलमान की लाश को 24 घंटे बाद निकाला गया। नमाज जनाजा अदा कर दी गई, कब तक लाशें उठाते रहेंगे। खस्ताहाल नाले में गिरकर 14 बच्चे जहाँ बहक हो चुके। इलाका मकीनों की दहाई। और NLC का जो इदारा है जो नदियों के करीब बाउंड्री वाल करता है, उनको हम कई दरख्वास्तें दे चुके कि प्लीज़ अल्लाह के लिए कब तक हम लाशें उठाएंगे। ये तकरीबन आज की वाकया नहीं है, ये तकरीबन 16 से लेकर 15 वाकया ये बच्चे यहाँ पे गिर रहे, कोई निकलेगा कोई यहाँ पे चले जाएगा, शेरशाह तक पहुँचेगा। बर्बाद हो गए बिल्डिंगे, पहले खस्ता हाल थी ख़त्म हो गई। अब मुझे उठा उठा के दिखाते हैं सोशल मीडिया पे, स्कूल के चापड़ गिर रहे हैं ये स्कूल। बाबा मैं मान चुका हूँ, मैं कह चुका हूँ, चीख चीख के कह चुका हूँ, 20,000 स्कूल हमारे पास काम के नहीं है। ज्यादा फीस लेने वाला बड़ा स्कूल नहीं होता। सूबाई वजीर तालीम सरदार शाह ने वाजिया कर दिया, कहा हमने तालीम को ब्रेड और बटर समझ रखा है, हमारे 20,000 स्कूल काम के नहीं। तारीख में असातिज़ा का किरदार बड़ा अहम है। वादी सिंध ने लोगों को बहुत कुछ सिखाया। सूबाई वजीर तालीम का पोजीशन होल्डर्स तलबा से मुलाकात का ऐलान, कहा टॉप 10 में शामिल सरकारी स्कूलों के 4 बच्चों से जल्द मुलाकात करूँगा। हुकूमत प्राइवेट स्कूलों की देखभाल नहीं कर सकती, नजमी आलम ने इंकशाफ किया। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा के आने के पैसे लेते हैं, पढ़ाने के नहीं। बच्चों के ऊपर से किताबों का बोझ हल्का करने पर जोर, वजीर बल्दियात सैद करी ने असातिज़ा के एहतजाज की मुखालफत कर दी। बच्चों पर तवज्जो न देने को भी बदकिस्मती करार दिया। मुख्तलिफ स्कूलों के असातिज़ा ने अवार्ड्स भी तकसीम किए। टीचर्स ने मैट्रिक इम्तिहान में 28 साल बाद सरकारी स्कूल के तालिबे इल्म की पहली पोजीशन। गवर्नमेंट दिल्ली बॉयज सेकेंडरी स्कूल के हाफिज अब्दुल राफी तारिक ने 1,044 नंबर हासिल किए। 1996 में भी इसी तालीमी इदारे के तालिबे इल्म ने पहली पोजीशन हासिल की थी। अब्दुल राफी ने कामयाबी को वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत करार दिया। स्कूल प्रिंसिपल को भी होनहार तालिबे इल्म पर फख्र, बेटी की पहली पोजीशन पर वालिद आपदीदा। इस वक्त मुझे बहुत अपने ऊपर प्राउड, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने उनकी मदद और उनकी मदद की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि उसने मुझे इस काबिल बनाया और मेरे नसीब में ये चीज़ लिख दी। गवर्नमेंट स्कूलों में 28 साल बाद जो है इसी स्कूल ने पोजीशन ली थी। 28 साल पहले भी फहद जावेद हमारे एक स्टूडेंट थे, इसी स्कूल ने अपनी पोजीशन को 28 साल बाद दोबारा बहाल किया है अब्दुल राफी की मेहनत से, टीचरों की मेहनत से। NED यूनिवर्सिटी में नासा स्पेस एक्ट चैलेंज का इनका 2000 से ज्यादा शुरखा के शिरकत। प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद तफील बोले तकरीब का मकसद नौजवानों की हौसला अफजाई करना है। डॉक्टर मोना कवल बोली 184 ममालिक में नासा स्पेस चैलेंज हो रहा है,
मारूफ साइंसदान डॉक्टर अताउर रहमान का तरक्की के लिए तालीम हासिल करने पर जोर। आज की दुनिया इल्म की दुनिया है, रोज़ाना नई नई चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं जो हमारी ज़िंदगियों को तब्दील कर रही हैं, जिसमें खला के अंदर भी बहुत सारे मिस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें पोशीदा हैं जिसमें डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और बहुत सारी और चीज़ें। कराची इंतजामिया का गदर गुरु के खिलाफ एक्शन, डिप्टी कमिश्नर ने रिपोर्ट कमिश्नर कराची को पेश कर दी। दो रोज में 79 गदागर गिरफ्तार, कमिश्नर कराची बोले डिप्टी कमिश्नर गदागरों की रोकथाम को यकीनी बनाए। तनख्वाहदार तबके से 40% टैक्स वसूल किया जा रहा है जो सरासर जुल्म है, मरकजी रहनुमा आवाम दोस्त मुफ्ती इस्माइल बोले सियासी इंतजार खत्म होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, मुल्क के फैसलों के लिए सड़कों के बजाय एक टेबल पर बैठना होगा, सियासी हरीफों के पास जाने का भी इंडिया दे दिया, हुकूमत से आइन में तब्दीली मुअख्खर करने का मुतालबा। कराची की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रो, अवाम पाकिस्तान पार्टी के तंजीमी ढांचे में तब्दीली मतवक, शाहिद खाकान और मुफ्ती इस्माइल के सियासी रहनुमाओं से राबते थे, साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर और साबिक रहनुमा पीटीआई असद उमर से मुलाकात, मोहम्मद जुबैर बोले सियासत से किनारा कशी इख्तियार नहीं की, तहाल किसी भी सियासी जमात में शमूलियत का फैसला नहीं किया। जमात इस्लामी के वक्त की सदर पीपल्स पार्टी सिंध निसारखोड़ से मुलाकात, मिलियन मार्च में शिरकत की दावत दी, निसारखोड़ बोले पीपल्स पार्टी 6 अक्टूबर में मिलियन मार्च में शिरकत करेगी, कराची बार का भी जमात इस्लामी की दावत पर मिलियन मार्च में शिरकत का ऐलान, कहा मिलियन मार्च में शरीक होकर अहले फलस्तीन से यकजहती का सबूत दें। एक पावर शो किया जाए ताकि उसके नतीजे में पूरी इस्लामी दुनिया में भी और पूरी वेस्टर्न कंट्रीज पर भी ये पैगाम पहुंचे, कराची के लोग बेदार, पाकिस्तान के लोग बेदार हैं अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल, यूएई सफीर, वजीर सकाफत, सदर आर्ट्स काउंसिल आर्ट नुमाइश का इफ्तिताह किया, अहमद शाह ने यूएई सफीर की आमद पर शुक्रिया अदा किया, सिंध हुकूमत के इकदाम को खूब सराहा, हमाद उबैद इब्राहिम ने पाकिस्तानी फनकारों की तारीफ की, दोनों ममालिक के फनकारों के तबादलों पर जोर, ज़ुल्फ़िकार अली शाह का यूएई से वीजा पॉलिसी में आसानियों का मुतालबा। मईशत के लिए एक और अच्छी खबर, कंटेनर्स के किरायों में बड़ी कमी, चीन से दरामद पर कंटेनर्स के किराए $500 से भी नीचे आ गए, चेयरमैन FBCCI पाक चाइना बिजनेस काउंसिल शबीर मंशा मजीद रिलीफ के लिए पुर उम्मीद, कहा खाम माल की कीमत कम होगी, इंडस्ट्री और आवाम को भी फायदा मिलेगा। और उस गिराव की वजह से इसकी कीमत कम अज़ कम इस कदर कम हुई है कि $500 से $600 के करीब आ गई है, इसका बहुत बड़ा पाकिस्तान को उसके फवाइद मिलने का इम्कान है, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ट्रेड बिलखसूस चाइना से होता है और चाइना हमारा वन ऑफ द लीडिंग बिजनेस पार्टनर है। कुदरती मिठास से भरपूर आला क्वालिटी की खजूर के चर्चे, पाकिस्तान में सालाना 6 लाख टन एक्सपोर्ट क्वालिटी खजूर की काश्त, चीफ एग्जीक्यूटिव ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी का खजूर की एक्सपोर्ट बढ़ाने पर जोर, जुबैर मोतीवाला बोले $3 से $4 अरब की एक्सपोर्ट का पोटेंशियल मौजूद है, सालाना 6 लाख टन खजूर में से 2 लाख टन इस्तेमाल, बाकी जाया हो जाती है, शोबे में जिद्दत लाने की जरूरत है। हम दोनों चीज़ों को एक साथ काम करेंगे, किसान को निकालेंगे जिस पर काम कर रहा है, और जो प्रोमिनेंट और एक होते हैं प्रोग्रेसिव फार्मर्स, अगर वो आ जाएंगे तो मेरा ख्याल है कि दुनिया बदल जाएगी, और ये मुझे इसका पोटेंशियल लगता है कम अज़ कम भी $3 से $4 बिलियन का। और नेशनल जिमनास्टिक विमेन चैंपियनशिप का आगाज, 4 सूबों और 2 डिपार्टमेंट की टीमों की शिरकत, वॉल्ट बीम बार फ्लोर एक्सरसाइज के मुकाबले, सदर पाकिस्तान जिमनास्टिक फेडरेशन परवेज अहमद का हुकूमत से खिलाड़ियों की सपोर्ट का मुतालबा।